औद्योगिक नगरी बालोतरा में मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की ओर से सांसद गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लगातार दूसरे वर्ष गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैलाश चौधरी के संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से करीब 150 गरबा टीमें भाग लेंगी। महात्मा ज्योतिबा फुले स्टेडियम जसौल फांटा पर आयोजित हो रहे सांसद गरबा महोत्सव में 4 केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि गरबा महोत्सव में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी शामिल होंगे। गरबा महोत्सव में प्रथम आने वाली टीम को 1,00,000, द्वितीय आने वाली टीम को 51,000 व तृतीय स्थान पाने वाली टीम को 31,000 रुपये की राशि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की ओर से दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए और हमारी सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में जाए, इसको मद्देनज़र रखते हुए सांसद गरबा प्रतियोगिता का आयोजन पिछले वर्ष भी बालोतरा में रखा गया था और भव्य आयोजन हुआ था। उसी प्रकार इस बार भी सांसद गरबा प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें एक साथ एक ही स्थान पर लगभग 3,000 जो खेल खेलने वाले गरबा नृत्य करने वाले हैं वो यहाँ पर एक इस परिसर के अंदर एक समय में नृत्य करेंगे। और इसके साथ ही लगभग यहाँ पर 125 टीमें आई है, वो सभी यहाँ पर अपने अपने नृत्य के माध्यम से अपनी जो उसको दिखाएंगे और उसमें जो फर्स्ट आएगा उसको प्रथम पुरस्कार है वो 1,00,000 रुपए का रखा गया है, द्वितीय पुरस्कार है वो 50,000 का है, तृतीय पुरस्कार भी रखा गया 31,000 का। ऐसे ही टॉप 10 है उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। और जो अच्छा वेशभूषा जो अपनी है यहाँ की ऐसी जो कल्चर के अनुसार हमारी संस्कृति के अनुसार जो है बेस्ट ड्रेस टीम पहन कर उनका भी इनाम रखा गया है। तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर आज पूरे इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर उत्साह का वातावरण है और यहाँ पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री राजस्थान के प्रभारी हैं आदरणीय हमारे प्रहलाद जी जोशी जी हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, अर्जुन जी मेघवाल है और भी हमारे कई वरिष्ठ नेता है जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में आएंगे और बहुत ही भव्य कार्यक्रम ये रखा गया है। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं तैयारियाँ पूरी जोर जोर से चल रही है और इस कार्यक्रम को लेकर पूरे सब में उत्साह है।